सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में सिटी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने लहराया अपना परचम। संत कबीर नगर खलीलाबाद शहर स्थित सिटी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं का सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 में रहा दबदबा कायम। विद्यालय के बच्चों का आया हुआ परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा। इस संबंध में सिटी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य शंभु पांडे ने बताया कि यह जो कुछ भी है छात्रों की मेहनत का फल है, साथ ही साथ अध्यापक की अहम भूमिका रहती है। अध्यापक के साथ साथ छात्रों के अभिभावकों की भूमिका किसी मामले में कम नहीं होती। श्री पांडे ने बताया कि विद्यालय की मेधावी छात्र एंजल चौधरी ने 94.80% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा अपेक्षा चौधरी 91.40% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर तथा अदिति मिश्रा 87% तृतीय स्थान के साथ, अन्नू सिंह 86% तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान अंश पांडे 85% पंचम स्थान प्राप्त कर विद्यालय एवं परिवार का नाम रोशन किया। इस अवसर पर अनिल दत्त मिश्र, अरुणेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा, प्रियम रजनीकांत उपाध्याय, पल्लवी कश्यप, प्रतिभा सिंह, रूबी धीरज राय सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। संत कबीर नगर से केदारनाथ दुबे की रिपोर्ट। रिजल्ट आज सीबीएसई बोर्ड का इंटरमीडिएट और हाई स्कूल क्लास के दोनों क्लासेस का रिजल्ट आया है, जिसमें मेरे यहाँ हाई स्कूल तक ही अभी क्लासेस चल रहे हैं। हाई स्कूल की एफिलिएशन है हमारे विद्यालय को। हमारे स्कूल की एंजल चौधरी एक ऐसी छात्रा है, जब से मेरे विद्यालय की स्थापना हुई है उसके शिक्षा का जो आरम्भ होता है, शिक्षा जब से आरम्भ आप जो भी कहें, शिक्षा की शुरुआत से क्लास प्लेवे से टेंथ तक पहुंची है। जितने सत्र जितने साल विद्यालय को ओपन हुए हुआ, शुरू से वो छात्रा हमारे विद्यालय से जुड़ी रही और आज उसने विद्यालय का नाम रोशन किया। इसके लिए हम उस बच्ची के प्रति अपना विशेष आशीर्वाद और आभार व्यक्त करते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं विद्यालय परिवार की तरफ से। उसने 94.8% लाकर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद दूसरे स्थान पर 92% अपेक्षा चौधरी है। 85 और 95 के बीच में हमारे यहाँ 7 स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही गौरवान्वित मार्क्स प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किए हैं। इसके लिए मैं अपने समस्त शिक्षकों को, छात्रों को एवं उनके अभिभावकों को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि तीनों लोगों के सहयोग से कोई भी छात्र अगर अच्छा अंक लाता है तो छात्र का तो विशेष योगदान होता है, उसमें प्रथम भूमिका छात्र की होती है, उसके बाद शिक्षक और अभिभावक दोनों की होती है। तो हमारे सारे शिक्षक और अभिभावक मिल करके पूर्ण सहयोग किए, जिससे आज हमारे विद्यालय का 100% रिजल्ट रहा। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।